एक आशा, एक विश्वास, एक अपेक्षा जगाने का काम आपके राष्ट्रपति पद पर आसीन होने के बाद हुआ है कि भारत के अंतिम छोर में खड़ा हुआ व्यक्ति भी भारत के प्रथम, जो प्रथम हमारा दायित्व तो है, प्रथम जो पोस्ट है उस पोस्ट पर आ सकता है। यह आपके कारण ही संभव हो पाया। आपका राष्ट्रपति बनना इतिहास की किताबों का वह सुनहरा पन्ना है जो संघर्षों से हार न मानने और हर परिस्थिति में जिंदगी से लड़कर जीत जाने की कहानी बयान करता है। आदरणीय राष्ट्रपति जी से मिलकर उनके विचारों को सुनकर जाना जा सकता है कि आखिर क्यों उनका व्यक्तित्व सागर से भी गहरा और हिमालय से भी ऊंचा है। आपका सरल स्वभाव, धैर्यशीलता, विनम्र आचरण हम सभी के लिए, आपकी सादगी, सरलता हम सब लोगों के लिए और खास तौर से हमारे इन नौनिहालों के लिए, इन विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ही, जहाँ पाथे का काम करेगा वहीं मार्गदर्शन का भी काम करेगा और प्रेरणा का भी काम करेगा। आपको विरासत में कुछ नहीं मिला, केवल और केवल हौसले और कड़ी मेहनत के बल पर एक गरीब जनजाति परिवार में जन्म लेने के बाद सार्वजनिक जीवन में अनेक दायित्वों का निर्वहन करते हुए देश के शीर्ष पद तक पहुंची है। एक पार्षद के रूप में, एक विधायक के रूप में, एक मंत्री के रूप में और राज्यपाल के रूप में आपने अनेकों ऐसे कामों को पूरा किया है, ऐसे कामों को अंजाम तक पहुंचाया है जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए, जितना कहा जाए उतना कम है। भाइयों बहनों, चूंकि आज हम सभी लोगों ने माननीय राष्ट्रपति जी का ही पाथेय लेना है, राष्ट्रपति जी का ही मार्गदर्शन हम सबको मिलना है, मैं इतना ही कहूँगा कि राष्ट्रपति महोदया, हमारा जो राज्य है प्राचीन काल से ही धर्म, अध्यात्म, संस्कृति और महान परंपरा का ध्वज वाहक रहा है। इसी कारण विश्व भर के आस्थावान दार्शनिकों, जिज्ञासुओं और पर्यटकों का निरंतर आगमन हमारे राज्य में होता रहा है। मैं कह सकता हूँ कि देवभूमि उत्तराखंड सच्चे अर्थों में वसुधैव कुटुंबकम की समृद्ध विचारधारा का पुण्य स्रोत है। आदरणीय राष्ट्रपति जी, हमारे राज्य जहाँ से चिपको जैसा आंदोलन प्रारंभ हुआ, प्रकृति की महत्ता को विश्व पटल पर पुनः रेखांकित किया और विश्व को गौरा देवी जैसी जुझारू महिला के व्यक्तित्व से परिचित होने का मौका भी हमारी भूमि ने दिया है। देवभूमि उत्तराखंड सदियों से ही ऋषियों के ज्ञान, तप और शिक्षा का उद्गम स्थल रहा है। इसी कारण उत्तराखंड के शैक्षणिक संस्थान भारत ही नहीं अपितु विश्व भर में विद्या के प्रचार प्रसार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्यारे विद्यार्थियों, आज जब हम अपनी देश की आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और हम अमृत काल में प्रवेश कर गए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में नित नए आयाम स्थापित कर रहे हैं, हमारा कर्तव्य है कि इस अमृतमयी वेला में अपने कर्तव्यों को पूर्ण करने में पूर्ण मनोयोग से, पूर्ण तन्मय होकर अपने आप को पूरा का पूरा हर प्रकार से संपूर्ण मनोयोग लगाकर झोंकने का यह समय है। राष्ट्रीय आदरणीय राष्ट्रपति महोदया, उत्तराखंड की समृद्ध ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाते हुए दून विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर प्रगति कर रहा है। 2020 में केंद्र सरकार ने शिक्षा के महत्व को रेखांकित करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में शिक्षा के स्तर में सुधार तथा युवा पीढ़ी को कौशल एवं रोजगार परक शिक्षा के अधिक अवसर प्रदान करने हेतु नई शिक्षा नीति को लागू करने का निर्णय लिया था। और जैसा अभी हमारे शिक्षा मंत्री जी ने यहाँ पर बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को राज्य में लागू करने का हमने पहले ही निर्णय लिया जा चुका है। दून विश्वविद्यालय की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसलिए भी प्रशासनिक हो जाती क्योंकि दून विश्वविद्यालय उत्तराखंड का एकमात्र विश्वविद्यालय है जहाँ विदेशी भाषाओं जैसे जापानी, फ्रेंच, जर्मन, चीन तथा स्पेनिश में ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एवं PhD कोर्स संचालित किए जा रहे हैं, जिससे न केवल छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों की भाषा एवं संस्कृति को समझने में मदद मिल रही है बल्कि रोजगार के नए अवसर भी सृजित हो रहे हैं। मुझे आपको यह बताते हुए भी हर्ष का अनुभव हो रहा है कि दून विश्वविद्यालय द्वारा उत्तराखंड की लोक भाषाओं, बोलियों, साहित्य के संरक्षण, संवर्धन एवं शोध के कार्य हेतु डॉक्टर नित्यानंद जी हिमालय शोध संस्थान केंद्र भी यहाँ पर स्थापित किया गया है। उत्तराखंड राज्य की विशिष्ट भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भाषाई पहचान है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह शोध केंद्र प्रदेश की भाषाओं में साहित्य और संरक्षण संवर्धन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आज विश्वविद्यालय में विभिन्न विषयों पर स्नातक, स्नातकोत्तर एवं PhD की उपाधियां प्रदान की गई हैं। मैं उन सभी छात्र छात्राओं को
बहुत बधाई देना चाहता हूँ जिन्हें आज उपाधियाँ प्रदान की गई हैं। साथ ही उन मेधावी छात्र छात्राओं को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने अपने विषय में सर्वोच्च अंक प्राप्त होने के कारण प्रशस्ति पत्र एवं स्वर्ण पदक से उनको सम्मानित किया गया है। यह उत्तराखंड एवं दून विश्वविद्यालय का सौभाग्य है कि द्वितीय दीक्षांत समारोह के अवसर पर राष्ट्रपति महोदया ने अपना आशीर्वाद देने को हमारे बीच में, इससे न केवल दून विश्वविद्यालय बल्कि संपूर्ण उत्तराखंड का संपूर्ण शिक्षा जगत में अपने आप को गौरवान्वित हम महसूस कर रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अब आपसे एक अंत में यही बात कहना चाहता हूँ कि विश्वविद्यालय की पढ़ाई पूर्ण होने के उपरांत आप जिस क्षेत्र में भी जाना चाहें, आपके कंधों पर अपने सपनों को पूरा करने तथा समाज निर्माण की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी। मुझे उम्मीद है कि आप अपनी मेहनत, लगन, परिश्रम से अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में अवश्य ही सफल होंगे। मैं इस अवसर पर एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि कभी भी आपके जीवन में यदि कोई कष्ट आए, कोई संकट आए, कोई व्यवधान आए, परेशानियाँ आए, आप हमारी राष्ट्रपति महोदया के जीवन चरित्र से प्रेरणा लेकर उन परेशानियों को पूरी दृढ़ता से सामना करें। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको जीवन के इस समर में अवश्य ही विजयश्री प्राप्त होगी। अंत में पुनः आप सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए और राष्ट्रपति महोदया का पुनः एक बार देवभूमि आगमन पर उनका आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से अभिनंदन एवं स्वागत करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।